इजराइल दुनिया में प्रसिद्ध क्यों है, जानिए इसकी सबसे बड़ा कारण। आइए आज इजराइल के बारे में जानते हैं। यहाँ की लड़कियाँ बड़ा ही खूबसूरत होती हैं, इस बात को सभी जानते हैं, लेकिन यह देश वह देश है जहाँ पुरुषों और महिलाओं दोनों का ही सेना में सेवा करना जरूरी है। इजराइल अपनी खुफिया एजेंसी और सैन्य शक्ति के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मोसाद के बारे में तो आप सभी जानते हैं। आइए बात करते हैं इजराइल की अन्य पहलुओं के बारे में। इजराइल के बनने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया गया था कि इजराइल डिफेंस फोर्स IDF में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जरूरी है। देश के नियमों के मुताबिक 18 साल की उम्र तक सभी यहूदी इजराइल नागरिकों को राष्ट्रीय सेवा पूरा करना जरूरी है, चाहे वो किसी भी कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो। सेना में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी लड़ाई के मैदान में होना जरूरी। यहाँ तक कि नाजियों के खिलाफ 1948 में हुई स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाओं ने युद्ध के मैदान में अहम भूमिका निभाई थी। सेना में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व के अलावा शीर्ष पदों पर भी महिलाओं की नियुक्ति आम बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उनकी सेना की नौकरी में 92% से ज्यादा नौकरियां महिलाओं के लिए खुली हैं। इसमें फाइटर पायलट पैदल सेना अधिकारी नौसेना के कैप्टन आदि पद महिलाओं के लिए खुला है। सेना में भले महिलाओं को सम्मान मिलता है लेकिन नागरिक नौकरी में उनके भेदभाव किया जाता है। इजराइल में महिला ऑफिसों की मजदूरी का अंतर दुनिया में सबसे ज्यादा है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुताबिक महिलाओं को पुरुष के मुकाबले औसतन 66% कम पैसा मिलता है। यहाँ यह आंकड़ा चौंका देने वाला है क्योंकि पिछले 30 सालों में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ABC के अनुसार भले ही 65% राज कामगार महिलाएं लेकिन सीनियर मैनेजमेंट के लेवल पर उनकी उपस्थिति ना के बराबर है। असल में 106 सरकारी अधिकारियों में से सिर्फ 4 ही महिला डायरेक्टर हैं। पुरुष प्रबंधकों की तुलना में महिलाओं को औसतन मासिक वेतन 73% ही मिलता है, 73% ही मिलता है। महिलाओं के गर्भपात के लिए यहाँ की सरकार भुगतान करती है। और देश के मुताबिक 2014 में इजरायली कैबिनेट ने फैसला सुनाया कि चाहे कोई परिस्थिति हो, सरकार देश की 20 से 33 वर्ष आयु की महिलाओं के लिए कानूनी गर्भपात का भुगतान करेगी। हालांकि देश में गर्भपात समिति है जो गर्भपात का कराना या नहीं इसका निर्णय करती है, लेकिन वह लगभग सभी अर्जियों को मंजूरी दे देती है। और अभी देश में गर्भपात कानून के मुताबिक एक महिला अपनी गर्भावस्था के 40 सप्ताह के अंदर इस प्रक्रिया को पूरी कर सकती है। अगर एक कोई नाबालिग लड़की तो उसे गर्भपात कराने के लिए अपने माता पिता की सहमति जरूरी नहीं है। इजराइल की यही कुछ प्रमुख है जो इसे अन्य देशों से अलग करते हैं। हिटलर ने अपने समय में यहूदियों का नामोनिशान समाप्त कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते इजराइल एकमात्र ऐसा देश था जो यहूदी चाहता इसको अभी समाप्त करने की साजिश चल रही थी। इन्हीं साजिशों से बचने के लिए आज इजराइल ने अपनी आर्थिक सुरक्षा इतनी मजबूत कर ली कि कोई परिंदा उनकी सीमा में पर नहीं मार सकता और कचकी जा नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है इजराइल एक कैसा देश है, अच्छा देश, खौफनाक या सुरक्षित? अपना कमेंट करके जरूर बताएं।